हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। और इस टाइप का अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा है और आपको इसको सॉल्व करना है तो आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 0 to 9 pi साइन मॉड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 into 9, दैट इज 18 इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर कैसे आपने इतना फास्ट कर लिया, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर 2 से 3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं ताकि आपको ट्रिक समझ में आए। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखिए आप स्टूडेंट, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है a pi to b pi mod sin x या फिर a pi to b pi mod cos x, तो इसका आंसर होता है 2 into b minus a, मतलब 2 into coefficient of pi of lower limit and coefficient of pi of upper limit, मतलब ये b है और ये है, तो 2 into b minus आ जाएगा, that is 2 into coefficient of pi of upper limit minus coefficient of pi lower limit, right? तो ये हमारा आंसर आता है। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इंटू यहां पे जो कॉफिशियंट ऑफ पाई ऑफ अपर लिमिट 4 है, कॉफिशियंट ऑफ पाई लोअर लिमिट इज 1, और ये इसका आंसर आएगा 2 into 3, सो द 6 इज करेक्ट आंसर। इस इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यार ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे दिया आएगा 2 इंटू यहाँ पे अपर लिमिट का पाई का जो कॉफिशियन अपर लिमिट का वो 5 है, पाई का लोअर लिमिट का कॉफिशियन -1 है, तो यार -1 हो जाएगा, देन ये आएगा 2 into 6, दैट इज 12 इज द करेक्ट आंसर। सुन ये इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर होगा। सो सुन ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। 0 to 5 pi mod sin x dx है, इसकी वैल्यू क्या होगी और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए आप मेरे वीडियोस को यहां पे देख सकते हैं, मेरे नए चैनल को यहां पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, बाय बाय।